तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं जो इनकी मंथली अर्निंग है वो कितनी हो रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 20.8 हजार, मतलब $20,000 से लेके $332,000 के आसपास इनकी मंथली अर्निंग हो रही है। अगर हम इन्हें रुपीज में कन्वर्ट करें तो ये मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे $20,000 से शुरू है, तो मैं यहाँ पे 20,000 डालूंगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे $20,000 का मतलब इतने रुपीज यहाँ पे हो गए हैं, मतलब 16 लाख रुपए से स्टार्ट है इनकी अर्निंग और $332,000 तक है। तो अगर मैं यहाँ पे $332,000 डालूं तो आप देख सकते हैं 2 करोड़ से भी ऊपर जा रही है इनकी अर्निंग, कितना ज्यादा ये कॉपी पेस्ट करके चैनल से कमा रहे हैं, शॉर्ट चैनल बना रखा है इन्होंने। मैंने आपको लाइव प्रूफ सबसे पहले इनका अर्निंग का दिखा दिया है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल विकास 31 टेक में। तो फ्रेंड्स मैंने आपको पहले भी कहा था कि आप भी इस तरीके का कॉपी पेस्ट वाला चैनल बना लें और उससे आप भी लाखों रुपए कमा सकते हैं। आपको ना तो उसमें फेस दिखाना है ना ही आपको अपनी वॉइस डालनी है, फिर भी आप इस चैनल से शॉर्ट चैनल ये बना के आप इससे लाखों रुपए कमा सकते हैं। और आपने मेरी बात नहीं मानी क्योंकि आप सोचते हैं कि कॉपी पेस्ट से जो है हमारे जो वीडियो है उसके ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक या कॉपीराइट क्लेम आ जाता है, लेकिन मैंने आपको लाइव प्रूफ जैसा स्टार्टिंग में दिखाया कि जिसने ऐसा शॉर्ट चैनल बनाया वो इससे लाखों रुपये महीने के अर्न कर रहा है और ना तो उसके चैनल के ऊपर कोई कॉपीराइट स्ट्राइक है ना ही कोई कॉपीराइट क्लेम है और वो इससे महीने के लाखों रुपए अर्न कर रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया। और आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आप किस तरीके से इस तरीके का शॉर्ट चैनल क्रिएट करेंगे, कैसे उसमें एडिटिंग करेंगे, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा। और साथ में इस चैनल का लाइव प्रूफ भी मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कौन सा चैनल है, किस तरीके की वीडियो बनाता है, सारा आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। ना आपको वॉइस देनी है अपनी ना ही अपना फेस दिखाना है, फिर भी आप बस आपको कॉपी पेस्ट करना है और आप महीने के लाखों रुपए यूट्यूब से इस तरीके का शॉर्ट चैनल बना के कमा सकते हैं। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है, इसलिए वीडियो को पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, पहली बार मेरे चैनल के ऊपर आए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके उसे ऑल पर सेट कर लें, जिससे आपको मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स हम आ चुके हैं अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन के ऊपर, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहां पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम YouTube के एप्लीकेशन के अंदर चले जाएंगे। मैं YouTube के एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूं। यहां पे एप्लीकेशन ओपन करने के बाद ही हमारे सामने होम स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पे हमें सबसे पहले मैं आपको वो चैनल दिखा देता हूँ, शॉर्ट चैनल जो लाखों रुपए महीने के कमा रहा है, जिसका मैंने आपको अर्निंग प्रूफ भी दिखाया स्टार्टिंग में। तो मैं यहाँ पे सर्च करूँगा, उस चैनल का नाम है योद्धा, ठीक है। यहाँ पर सर्च करके मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये आप देख सकते हैं ऊपर ही आ गया है सबसे ऊपर, तो इसमें मैं क्लिक कर दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे 713 के सब्सक्राइबर हैं और 1000 वीडियोज़ ही डाली हैं इन्होंने, ठीक है। टिक भी लगा हुआ है इनके चैनल पे, मतलब प्ले बटन्स भी इन्हें मिल गए हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इनकी वीडियोस। हम शॉर्ट्स पे चलते हैं, शॉर्ट वीडियोस ही ये बनाते हैं। और मैं अगर पॉपुलर वीडियोस पे क्लिक करूँ तो आप देख सकते हैं 37 मिलियन, 26 मिलियन, 22 मिलियन, 18 मिलियन, 15 मिलियन, 13 मिलियन, मिलियंस में व्यूज़ हैं इनके, आप देख सकते हैं। और इन्होंने क्या किया है, ये ओझा सर की वीडियोस का यूज़ किया है, आप देख सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, इनकी वीडियो का यूज़ किया है। और ऊपर इसमें वीडियो में इन्होंने क्लिप लगा दी है कोई भी उसी टॉपिक से रिलेटेड, जिस टॉपिक की वो बात कर रहे हैं इस वीडियो में। तो आप भी इस तरीके से आपको वीडियो क्रिएट करनी है, आप भी किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर को ले सकते हैं। इसका मैं लाइव प्रूफ जो मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था वो इसी चैनल का था, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आप यहाँ पर आइकन देख सकते हैं, योद्धा का आइकन ये वाला है, ठीक है। अब हम यहाँ से बैक आके मैं आपको सोशल ब्लेड पर क्रोम के अंदर लेके चलता हूँ। मैंने चैनल ओपन किया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मैंने आपको स्टार्टिंग में अर्निंग दिखाई थी $20,000 से $332,000, वो इसी चैनल की थी। आप यहाँ पे देख सकते हैं योद्धा चैनल है, यहाँ पे 1029 अपलोड्स हैं, 713 के सब्सक्राइबर हैं। यहाँ पे ये इसका प्रोफाइल पिक्चर है, लोगो है जो लगा हुआ था, ठीक है। बैक आ जाते हैं वापस यूट्यूब पे। तो आपको भी इस तरह की वीडियो किस तरीके से क्रिएट करनी है, आप भी देख सकते हैं, ये शॉर्ट्स बनाते हैं, शॉर्ट्स का चैनल है। तो ये मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा कि कैसे आप इस वीडियो को क्रिएट करेंगे। बस कॉपी पेस्ट किया है इन्होंने, ना तो अपनी वॉइस दी है ना अपना फेस दिखाया है, फिर भी ये महीने के लाखों रुपये यहाँ से अर्न कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर इनका चैनल पर जाके ज़रूर विजिट करिए, उनकी वीडियोज़ का आप खुद देखें जाके, ठीक है। इन्होंने ऐसे ही हर वीडियो
स्टूडियो में किया हुआ है, आप देख सकते हैं नीचे ओझा सर है और ऊपर क्लिप लगा रखी है आप देख सकते हैं, और अपने कुछ भी इन्होंने यूज़ नहीं किया है, बस एडिटिंग करके उसे यूट्यूब पे डाल दिया है, जस्ट कॉपी पेस्ट का वर्क है, ना इनके चैनल पे कॉपीराइट स्ट्राइक आई है ना ही कोई क्लेम आया है। तो इस तरह की वीडियोज़ आपको कैसे क्रिएट करनी है वो मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको इस तरीके की वीडियोज़ कैसे बनानी है, ठीक है। उसके लिए हम यहाँ से बैक आ जाएंगे और हम यहाँ पे अब सर्च करेंगे, किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर को आप सर्च कर सकते हैं उसके नाम से, ठीक है, काफ़ी सारे हैं। तो जैसे मैं इन्होंने ओझा सर की ली है तो मैं आपको ये ही बना के सिखा देता हूँ, ठीक है। ओझा सर यहाँ पे सर्च किया मैंने, तो यहाँ पे हम टॉप राइट में ही 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ से फ़िल्टर्स लेंगे और यहाँ पर हम टाइप में हम चैनल कर देंगे, ठीक है, चैनल पे क्लिक करके अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे इनके नाम से जितने चैनल हैं वो सारे आ जाएंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो सबसे ऊपर है इनका चैनल और एक उससे सेकंड नंबर पे भी है, तो आप इन दोनों चैनल्स पे देख सकते हैं। जैसे मैं पहले वाले चैनल पे अगर क्लिक करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टिक लगा हुआ है इसमें भी, मतलब इस चैनल से भी ये वेरीफाइड है, इससे भी ये अर्निंग कर रहे हैं। यहाँ पर वीडियोज़ आप देख सकते हैं, यहाँ पर दुनिया भर की इनकी वीडियोज़ हैं, आप यहाँ से कोई भी वीडियो यहाँ से ले लें, ठीक है। वो मैं आपको नहीं बताऊंगा यहाँ पे कि कैसे डाउनलोड करनी है क्योंकि वो YouTube कम्युनिटी गाइडलाइंस के ख़िलाफ़ है, ठीक है। तो यहाँ से आप कोई भी वीडियो, इनकी हज़ारों वीडियोस कंटेंट की आपके पास कमी नहीं होगी, यहाँ से ख़त्म हो जाए तो आप इनका जो ये दूसरा चैनल यहाँ पे पार्थ नाम से है, यहाँ पे वीडियोज़ में जाएंगे और यहाँ पे भी आपको इनकी ढेरों वीडियोज़ मिल जाएंगी। मैं वापस इसी वाले चैनल पर आ जाता हूँ, रे अवध ओझा, इस पर यहाँ से वीडियोज़ ले ली मैंने, कोई भी एक वीडियो ले ली, उसके बाद हमने यहाँ से वीडियो डाउनलोड कर ली। अब जो इन्होंने वीडियो में ऊपर क्लिप लगाई हुई है वो कहाँ से मिलेगी हमें, उसके लिए हमें यहाँ से बाहर आ जाना है और यहाँ से अब हमें चलना है क्रोम के अंदर, यहाँ पे हम नया टैब ले लेंगे। तो यहाँ पे हम गूगल पे आ जाएंगे और यहाँ पे हम सर्च करेंगे पिक्सल्स लिख के यहाँ पे सर्च करेंगे। ये सबसे अच्छी वेबसाइट है नॉन कॉपीराइट, यहाँ पे आपको फुटेजेस मिल जाती हैं। तो पिक्सल्स मैंने खोल लिया है, यहाँ पे हमें अब मैंने उस टॉपिक में योगा से रिलेटेड वीडियो है वो ओझा सर की, तो मैं यहाँ पे योगा से रिलेटेड फुटेजेस डाउनलोड करूँगा, मतलब योगा वीडियो यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, इसे सर्च करूँगा। आप जिस टॉपिक की वीडियो आप डाउनलोड करें उसी से रिलेटेड यहाँ पर आप वीडियो सर्च कर सकते हैं। मैं वीडियोज़ वाले पर क्लिक करूँगा और आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको बहुत सारी यहाँ पे योगा की वीडियोस मिल जाएंगी, आप यहाँ से कोई भी वीडियो डाउनलोड कर लेंगे। मैंने एक डाउनलोड कर ली है, ठीक है। तो इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से आपको क्लिप्स मिल जाएंगी, उसके बाद हम बैक आ जाएंगे और अब हम चलेंगे काइन मास्टर की एप्लीकेशन के ऊपर। तो मैं काइन मास्टर की एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। तो हम काइन मास्टर एप्लीकेशन के होम पेज पे यहाँ पे आ गए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें सेंटर में जो प्लस का आइकन है इस पर क्लिक करना है। अब हमें शॉर्ट वीडियो बनानी है तो 9:16 हमें सिलेक्ट करना है, तो मैं 9:16 सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद यहाँ से हमें सबसे पहले बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है, तो बैकग्राउंड मैं कोई भी एक बैकग्राउंड यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा, जैसे मैं यहाँ पर वाइट बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, ओके कर दूंगा। और इस वाइट बैकग्राउंड को मैं अपनी वीडियो की जितनी लेंथ रखनी है मुझे उस लेंथ तक इसे इंक्रीज़ कर लूँगा। उसके बाद मैं इसे यहाँ पे क्लिक करके छोड़ दूँगा। अब आपको यहाँ पे वो वीडियोस डालनी हैं जो ओझा सर की है और जो फुटेजेस हमने ली थी वो कैसे यहाँ पे एडिटिंग करनी है। तो सबसे पहले मैं ओझा सर की वो वीडियो ले लेता हूँ गैलरी में से, ठीक है। मैं यहाँ पे लेयर पे क्लिक करता हूँ, हमें लेयर पे क्लिक करना है और यहाँ से मीडिया पे जैसे ही क्लिक करूँगा गैलरी में चला जाऊँगा और वहाँ से ओझा सर की वीडियो ले लेता हूँ मैं जल्दी से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वो वीडियो यहाँ पर आ चुकी है, ठीक है। अब जहाँ से वीडियो शुरू हो रही है हमें सबसे पहले वहाँ से कट कर लेना है, यहाँ से ये वीडियो शुरू है। तो मैं सबसे पहले इसे सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे ऊपर कैंची का जो निशान आया है इस पर क्लिक करूंगा और ट्रिम टू लेफ्ट कर दूंगा, यहाँ से मैंने ट्रिम कर दिया, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ट्रिम करने के बाद हमें क्या करना है, जो ये ऊपर वाला बैकग्राउंड वाला जो पेज जो हमने सेलेक्ट किया है बैकग्राउंड, इस पर क्लिक करना है वाइट वाला, इस पर क्लिक करके हम कैंची के निशान पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर लास्ट वाला ऑप्शन मिल रहा है आपको स्प्लिट एंड इंसर्ट फ्रीज फ्रेम, इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से कट हो जाएगा। अब हम ये आगे वाला पोर्शन सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे, ठीक है, ऐसे ही ये वाला पोर्शन सेलेक्ट करके हम डिलीट कर देंगे और इसको अपनी वीडियो तक बढ़ा लेंगे बैकग्राउंड वाले साइज़ को, ठीक है, यहाँ पे इतना ले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे 50 सेकंड तक मैं कर लेता हूँ और बाकी का सारा पीछे का ट्रिम कर देता हूँ। सिलेक्ट किया कैंची पर, ट्रिम टू राइट, ये काट दिया मैंने सारा का सारा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर
उसके बाद क्या करना है, जो आपकी वीडियो का साइज़ है इसको हम सिलेक्ट करेंगे नीचे वाले को, और यहाँ से इस साइज़ को पकड़ के बड़ा कर लेंगे। तो इसे हम पहले थोड़ा सा ज़रा सा बिल्कुल क्रॉप कर लेंगे, जो ये ब्लैक पोर्शन ऊपर आ रहा था इसको सिलेक्ट किया, यहाँ से क्रॉपिंग पे क्लिक किया और हल्का सा इसे बिल्कुल ज़रा सा हम क्रॉप कर लेंगे, डन कर देंगे। उसके बाद हम इसे पकड़ेंगे और ज़ूम कर लेंगे, ठीक है, यहाँ तक जितना हम ज़ूम करना चाहते हैं। उसके बाद ऊपर हमें क्लिप लगानी है, तो अब क्लिप कैसे लगाएंगे हम वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये यहाँ से शुरू हो रही है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ से आगे का ट्रिम कर देंगे इसे भी, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुई है। तो यहाँ पे अब हमें वो लेयर कैसे लगानी है, हम सबसे आगे आ जाएंगे, यहाँ पे लेयर पे क्लिक करेंगे और जो हमने फुटेजेस डाउनलोड की थी पिक्सल से वो हम यहाँ पे इंसर्ट कर लेंगे मीडिया में जाके। तो मैं जल्दी से कर लेता हूँ, तो मैंने वो इंसर्ट कर ली यहाँ पे। अब इसको पकड़ के यहाँ पे ऊपर ले आएंगे और इसको यहाँ पे ज़ूम कर लेंगे, ठीक है, जितनी ज़ूम हमारी वीडियो पे है जहाँ तक है, ठीक है, उस हिसाब से इसे ज़ूम कर लेंगे इस तरीके से, थोड़ा सा कम कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे लगा देंगे इसको सेंटर में सेट करके इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे ये ख़त्म हो गई, आप देख सकते हैं, अगर मैं प्ले करूँ इसे बिना प्ले करके ही दिखा देता हूँ, इस तरीके से ये चलेगी आपकी वीडियो। यहाँ पे ये फुटेज ख़त्म हो गई, अब दोबारा से आप इसको इंसर्ट कर सकते हैं, जहाँ तक आपकी वीडियो की लेंथ है वहाँ तक आप इसे इंसर्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ये वीडियो तैयार कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे जब आपकी सारी ये एडिटिंग हो जाएगी, उसके बाद आपको ऊपर यहाँ पे जो ये शेयर वाला ऑप्शन है इस पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। वीडियो को एक्सपोर्ट करने के बाद आपको अपने YouTube चैनल पे इसे अपलोड करना है अपने चैनल के ऊपर, ना आपको कॉपीराइट की कोई भी समस्या इसमें नहीं आएगी, 100% है ये, मैंने आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाया है कि कैसे लोग इससे पैसे कमा रहे हैं इस तरीके की वीडियो एडिटिंग करके। उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ गया। तो फ्रेंड्स, आप भी इस तरीके का चैनल ज़रूर क्रिएट करें, शॉर्ट चैनल है ये और इसमें व्यूज़ भी आपको लाखों भर भर के मिलेंगे, क्योंकि इस तरीके की वीडियोस लोगों को देखना ज़्यादा पसंद है। अगर फिर भी वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।